चले मेरे बच्चों आ जाओ। सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़नी है फिर छुट्टी, डन हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़नी है जो कि इंशाल्लाह एक घंटे में हम पढ़ लेंगे। ऑडिट रिस्क 315 मैया, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। समझ आता है? ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय, मैं कहीं कोने में इसका फुल फॉर्म लिख दूं या समझ गए प्यारे बच्चों आप लोग? इनहेरेंट, देखें आर 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 तो रिस्क है, सही है, ये भी आर रिस्क है। ऑडिट इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन, डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाए, अब लिखना नहीं है, दो सब आ जाओ यार, आ जाओ। ये जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करे और जो लास्ट क्लास में 315 के हिसाब से रिस्क आइडेंटिफाई करे, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इनहेरेंट रिस्क। अगर पीपी है तो इनहेरेंट है, इंप्लाइड है कि एग्जिस्टेंस का रिस्क होगा, बट अगर बैंक है तो इन्वेंट्री का रिस्क नहीं होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इनहेरेंट रिस्क के दो असेसमेंट है, जल्दी से बता दें, जल्दी से। ये बात समझ आती है? अच्छा, इसी तरीके से हमने एक और अंडरस्टैंडिंग ली थी 315 में, किसकी? इंटरनल कंट्रोल्स की। जितने अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स होंगे उतने कम चांसेस हैं एरर और फ्रॉड। क्या ये इक्वेशन समझ आती है प्यारे बच्चों? अगर आप सोचे ना, एक बंदा चेक कर रहा है, दूसरा बंदा अप्रूव कर रहा है, ऑथराइज प्राइस लिस्ट बनी हुई है, आगे बंदा साइन कर रहा है, क्वांटिटी काउंट कर रहा है, कैमरेज वगैरह लगे हुए, जितने अच्छे कंट्रोल्स होंगे उतने कम, जीरो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वही इस लड़के का सवाल, दो बंदे आपस में मिल जाए, जीरो तो कभी भी नहीं हो सकता, सही है? तो जितने अच्छे कंट्रोल्स होंगे उतने एरर और फ्रॉड के चांसेस कम होंगे। प्यारे बच्चों, ये दो चीजें जो है, ये किसकी वजह से होती है? इसमें मेरा कोई दखल अंदाज नहीं। अगर OGDCL है और वो बैठ के कुएं खोदता है और तेल निकालता है, तो ये इनहेरेंट है कि इन्वेंट्री में एग्जिस्टेंस का रिस्क है, ये इनहेरेंट है कि इन्वेंट्री में वैल्यूएशन का रिस्क है। अगर वो कंट्रोल्स नहीं रखता तो इसमें मेरी गलती नहीं है, तो जिम्मेदारी उसकी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट। अगर वो कंट्रोल्स नहीं रखता तो ये मेरा, ये चीज मेरे कंट्रोल में, ये अंग्रेजी वाला कंट्रोल कह रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये किसकी वजह से है? ये क्लाइंट की वजह से है। बच्चों का यहां तक बात समझ आती है? तो ये दोनों किसके कंट्रोल में होते हैं? क्लाइंट के। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में क्या है? डिटेक्शन। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? डन हो गया। एक हैंडआउट होगा तला साहब, आप हैंडआउट पास कर देंगे प्लीज। मेरी बात सुनिएगा। सिनेरियो वन, चले दोस्त आ जाए यहां पर। सिनेरियो वन, आप क्या वेरीफाई कर रहे हैं? आप वेरीफाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डन हो गया। आप क्या वेरीफाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। और इलेक्ट्रिसिटी पे जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो क्या है? इफेक्टिव का मतलब अच्छे, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे, सही है? ये इतना समझ आता है? अच्छा, तो आपने, अच्छा, पूरे साल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की कितनी इनवॉइस होंगी, जल्दी से बता दें? 12। और सिनेरियो वन में आपने कितने, आप 12 के 12 चेक करेंगे? कोई भी नंबर बोल दे, 8। आपने 8 सैंपल्स टेस्ट किए, डन हो गया, ये आपका नंबर है, सही। सिनेरियो वन क्लियर है? या वैसे मैं 8 की जगह कुछ और लिख दूं, 4 लिख दो, 4 लिख दो, सही।
हाँ जी सफिशियंट सफिशियंट है। मैं प्रूफ करता, मैं यही यही तो प्रूफ करना है ना। सिनेरियो टू, अगेन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। मेरे भाई आ जाओ यार, लेकिन इंटरनल कंट्रोल हाँ जी इनएफेक्टिव है। अब मुझे बताएं, मैं आपके सामने तीन ऑप्शन रखता हूं, या तो सैंपल चार होंगे या चार से कम होंगे या चार से, कौन सा ऑप्शन सही है? क्यों सर? इंटरनल कंट्रोल भी इनएफेक्टिव है, इट मींस एरर और फ्रॉड के चांसेस। अच्छा यहां तक बात समझा, इसका मतलब है यहां पे आके मैं कितने सैंपल्स करूंगा? पांच। मैं ऐसे एक नंबर समझाने की बात कर रहा हूं ना यार, समझ आ रही है यहां तक बात? अच्छा मैं आपके सामने अब एक और सिनेरियो लिख रहा हूं, सिनेरियो थ्री, ये ब्लैक से लिख रहा हूं। लेकिन इस बार हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे काम नहीं कर रहे, इस बार हम काम कर रहे हैं पीपी की एग्जिस्टेंस पर और इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है। और वही लेट से साल में कितने सैंपल पड़े हुए? 12 सैंपल पड़े हुए। प्यारे बच्चों मेरा सैंपल साइज कितना आएगा जल्दी से बता दे, सैंपल साइज कितना आएगा? चार सैंपल्स, ऐसे नंबर लिखा है मैंने, नंबर क्यों लिखा है बता रहा हूं। सिनेरियो फोर, पीपी की एग्जिस्टेंस प्लस इंटरनल कंट्रोल। अब मेरे सैंपल कितने होंगे प्यारे बच्चों? थोड़ा रेडी रहिएगा, देखते रहिएगा। अब मैं रेड से लिख रहा हूं। सिनेरियो फाइव, सिनेरियो फाइव, पीपी की वैल्यूएशन प्लस इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव। कितने सैंपल्स? क्या चार होंगे? चार क्यों नहीं होंगे? चार क्यों नहीं होंगे सर? ये नॉर्मल लिस्ट थोड़ी है ये तो सर, तो जाहिर सी बात है इसमें भी चार, इसमें भी चार, सेंस नहीं बनता सर। कितने सैंपल? छह लिखता हूं, छह अभी तक लिखा नहीं है मैंने, इससे छह लिखा है। मैंने तीन भी नहीं लिखा, लेकिन तीन लिख सकता हूं, तीन लॉजिकली नहीं लिख सकता। अच्छा मैं सब समझा रहा हूं, सही है। सिनेरियो सिक्स, पीपी की वैल्यूएशन लेकिन इंटरनल कंट्रोल। कितने सैंपल्स? क्लियर हो? फर्क क्या है? यहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। पहले सिनेरियो में अगेन इस इक्वेशन को लिखते हैं, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय। तो अगर मैं ये वाला सिनेरियो देखूं तो मेरे पास ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क, क्या लो है बच्चों? क्यों लो है बच्चों? जल्दी से आ जाए, क्यों लो है? रिस्क कम क्यों है? क्योंकि रिस्क में ना एस्टिमेट्स है ना फ्रॉड है। कौन सा रिस्क है? नॉर्मल रिस्क है। तो मेरा रिस्क भी इनहेरेंट रिस्क भी क्या है? कम है। क्या कंट्रोल अच्छे है? तो मेरा कंट्रोल रिस्क भी क्या है? कम है। तो कंट्रोल ऐसे जबरदस्त इफेक्टिव है कि एरर ऑफ फ्रॉड के चांसेस। बच्चों ये बात समझ आती है? तो अगर मेरा डिटेक्शन रिस्क हाई हो भी जाए, डिटेक्शन रिस्क का मतलब कि अगर एक एरर और फ्रॉड मौजूद है जिसको मैं डिटेक्ट, ये मेरा ऐसा ऑडिटेड डिटेक्शन रिस्क है यार, मैं कभी भी 100% चीजें डिटेक्ट नहीं कर। तो इनहेरेंट रिस्क 315 के हिसाब से रिस्क, कंट्रोल अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो या तो रिस्क हाई होगा या रिस्क। और ऑडिटर से पर्टेन क्या करता है? डिटेक्शन रिस्क। अगर मैं 10 में से 4 सैंपल देख रहा हूं और एक सिनेरियो में, सॉरी अगर मैं 12 में से 4 सैंपल देख रहा हूं और एक सिनेरियो में 12 में से 11 सैंपल देख रहा हूं, डिटेक्शन रिस्क मेरा कहां पे हायर है? 4 में। क्यों? 4 देखिए, 8
और आठ नहीं देगी तो मैं कहता हूं अगर चार सही है तो बकिया आठ भी वहां पे डिटेक्शनिस्ट मेरा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज को मैंने उन्हें देखी नहीं है। और एक तरफ मैं कह रहा हूं मैंने 12 में से 11 देख ली है, 11 सही है तो 12वीं भी यहां पे डिटेक्शनिस्ट क्या है लेकिन कम है। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जितने ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म करूंगा उतना मेरा डिटेक्शनिस्ट क्या होता रहेगा प्यारे बच्चों? पहले सिचुएशन में इनहेरेंट रिस्क कम है, कंट्रोल रिस्क भी कम है, और जहां आप चौंक गए थे चार सैंपल सुन के तो मेरा डिटेक्शन रिस्क क्या है? लेकिन प्यारे बच्चों मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क हाई नहीं हो रहा, बिकॉज तीन में से जो दो कंपोनेंट है वो लो ही है, तभी मैं चार सैंपल्स कर रहा था। सुनिएगा मेरी बात को। दूसरा सिनेरियो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अगेन इनहेरेंट रिस्क मेरा क्या है? लो है, लेकिन कंट्रोल रिस्क। अब जब कंट्रोल रिस्क मेरा हाई हो रहा है प्यारे बच्चों, तो अब मैं डिटेक्शन रिस्क को हाई नहीं छोड़ सकता, मुझे डिटेक्शन रिस्क को क्या करना पड़ेगा? इनहेरेंट रिस्क मेरे कंट्रोल में नहीं है, अंग्रेजी वाले कंट्रोल की बात कर रहा हूं, कंट्रोल रिस्क मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में क्या है? डिटेक्शन रिस्क। जहां वो इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क चेंज हो रहा होगा, मैं अपने डिटेक्शन रिस्क को क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। प्यारे बच्चों मैंने अपने डिटेक्शन रिस्क को क्या कर दिया? लो कर दिया, और इतना लो कर दिया कि मेरा ऑडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ना करे। तभी अगर आप यहाँ पे देखें, आप चार से पांच सैंपल्स में आए हैं, आप ना चार करेंगे, ना तीन करेंगे, ना दो करेंगे, ना एक करेंगे, चार भी नहीं करेंगे, चार से ज्यादा ही करेंगे। क्यों ज्यादा करेंगे? बिकॉज जब कंट्रोल अच्छे नहीं है तो एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा। जब आप खुद कह रहे हो एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स आप परफॉर्म करें। बच्चों क्या ये बात समझ आती है हमें? क्लियर है? थोड़ा सा और एक्टिव रहिएगा। सिनेरियो थ्री कौन सा? एग्जैक्टली सेम। क्यों? नॉर्मल रिस्क है, पीपी की एग्जिस्टेंस भी क्या है? प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिए। सिनेरियो फाइव, अगेन पीपी, लेकिन वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं? तो प्यारे बच्चों इसका मतलब इनहेरेंट रिस्क क्या है? हाई, कंट्रोल अच्छे है, कंट्रोल रिस्क लो है, लेकिन चूंकि इनहेरेंट रिस्क मेरा क्या हो चुका है? हाई हो चुका है। अब मैं डिटेक्शन रिस्क को हाई नहीं छोड़ सकता, मुझे डिटेक्शन रिस्क को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम कैसे करूंगा? ज्यादा से ज्यादा सैंपल साइज परफॉर्म करूंगा। तभी यहाँ पे कितने सैंपल्स परफॉर्म कर रहा हूं मैं? छह सैंपल्स परफॉर्म कर। और अगर सेम सिनेरियो सिक्स, इनहेरेंट रिस्क भी हाई है, हाँ जी, कंट्रोल रिस्क भी हाई है, अब मैं डिटेक्शन रिस्क को हाई नहीं छोड़ सकता, मुझे डिटेक्शन रिस्क को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और कम कैसे करूंगा? ज्यादा से ज्यादा। तो कहां चार सैंपल कर रहा था, कहां आठ सैंपल्स कर रहा। मेरे कंट्रोल में क्या चीज है? डिटेक्शन रिस्क। क्या यहां तक बात समझ आता है? एक बात सुन लीजिएगा, मुझे कितने परसेंट रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है? एक नंबर बता। इट मींस मेरे प्यारे बच्चों 10% मेरा क्या होगा? अगर मुझे एश्योरेंस 90% लेनी है तो मेरा रिस्क कितना है? 10%। प्यारे बच्चों ऑडिट इस 10% पे मैं स्टिक करता हूं। ये नंबर मुझे पता है, मुझे ये नंबर पता है, मुझे ये नंबर पता है। इस नंबर को आप जितना चेंज कर ले, डिटेक्शन रिस्क वुड ऑलवेज बी माय बैलेंसिंग फिगर। जितने ज्यादा रिस्क बढ़ा लो, सही है, उतने ही छोटे नंबर से मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और डिटेक्शन को छोटा कब कर सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा सैंपल साइज परफॉर्म करके। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे? सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन है और कुछ भी नहीं। अगर मैं अब आपसे बात करूं कि यार एक एरिया पे मैं काम कर रहा हूं, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सर इनहेरेंट रिस्क हाई है। फिर मैं कहूंगा यार कंट्रोल भी अच्छे नहीं है, तो आप कहेंगे सर कंट्रोल रिस्क भी, तो सर आपका तो डिटेक्शन रिस्क बहुत सिग्निफिकेंटली क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आपका तो डिटेक्शन रिस्क क्या होना चाहिए? सर डिटेक्शन रिस्क कम कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स, हाँ जी, ज्यादा ज्यादा सैंपल जी मेरे भाई, जितना ज्यादा आपका, हाँ, बट डिटेक्शन रिस्क हमेशा आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी। आप मैं आप मुझसे ये नहीं कह सकते पीपी में कितने, मेरी बात सुनिएगा बच्चों, सुने यहां पे, मैं आपसे टूपी वाले मैं आपसे सवाल पूछता हूं,
भाई पीपी के एग्जिस्टेंस में कितने प्रोसीजर परफॉर्म करो, पूरे साल 12 ट्रांजैक्शन हुई है, कितने परफॉर्म करो? आप कभी भी दो तीन नहीं बोलोगे, आप मुझसे पहला सवाल क्या पूछोगे? जल्दी जल्दी सर, आपका रिस्क क्या है, नॉर्मल रिस्क है या सिग्निफिकेंट रिस्क है? फिर आप मुझसे अगला सवाल पूछोगे, सर कंट्रोल्स कैसे हैं, अच्छे हैं या फिर बुरे हैं? जब मैं आपको इन दो सवाल का जवाब दूंगा, आप कहोगे ठीक है यार, अगर आपको ऑडिट रिस्क आपका 10% पे लिमिट रखना है आपका, तो आपका डिटेक्शन रिस्क इतना होना चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? एक हैंडआउट मैंने आपको दिया है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए, प्यारे बच्चे जल्दी से आ जाए। ISA 315 obtain an understanding of the entity and its environment including its internal control। जो अभी पूरी सेल्स के प्रोसेस की मैंने अंडरस्टैंडिंग ली, तो मुझे पता चल गया इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं या फिर इंटरनल कंट्रोल बुरे हैं। क्या याद रखना सकते इलस्ट्रेशन वन बच्चों आ जाए। इनहेरेंट रिस्क इज 40%, कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग देयरफॉर कंट्रोल रिस्क इज 30%, और आपने क्या करा है, लेट्स एज्यूम ऑडिट नीड्स टू ऑब्टेन 90% रीजनेबल एश्योरेंस, इट मींस ऑडिट इज 10% पे लॉक है, इनहेरेंट रिस्क 40% है, कंट्रोल रिस्क 30% है, डिटेक्शन रिस्क कितना आ गया प्यारे बच्चों 83.8। सिंपल सी बात है ना, इसको आप इन दो से डिवाइड कर ले तो ये नंबर आ जाएगा। ये नंबर जितना कम होगा उतना बड़ा ये नंबर डिटेक्शन रिस्क होगा, जितने बड़े ये दो नंबर होंगे उतना ही कम ये। क्या यहां तक बात समझ आ? सिंपल मैथमेटिक्स है, इलस्ट्रेशन 2 में उसको और प्रूफ कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले सिनेरियो में आपका डिटेक्शन रिस्क कितना था जल्दी जल्दी 83% तक मेरा डिटेक्शन रिस्क जा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मेरा ऑडिट रिस्क 10% तक ही सही हो, इनहेरेंट रिस्क भी कम है, कंट्रोल भी अच्छे है, एरर फ्रॉड के चांसेस कम है, तो मैं यहां पर तवज्जो क्यों दू? सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा, इलस्ट्रेशन 2 इंपेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्यारे बच्चों कंट्रोल इफेक्टिव है तभी कंट्रोल रिस्क कितना आ रहा है, सेम रखा हुआ है मैंने, ऊपर भी 30 रखा हुआ है नीचे, लेकिन क्या इनहेरेंट रिस्क 40% होगा, 40 से कम होगा, 40 से? प्यारे बच्चों अब आपका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा हो रहा है, क्या मुझे बताएं आपका इसका आंसर डिटेक्शन रिस्क का 83.33% ही होगा, इससे ज्यादा होगा? नहीं सर, इससे कम। क्यों? बिकॉज जब आपका रिस्क बढ़ता जा रहा है तो वो 10% से ऊपर जा रहा है थ्रेशोल्ड, उसको कम करने के लिए मुझे एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटा नंबर तो डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा। मेरे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन रिस्क है। क्या अब क्लियर हो रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो इलस्ट्रेशन 2 में आपके पास डिटेक्शन रिस्क कितना आया 47. तो जब डिटेक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म कर रहा हूं, सब कंडन हो गया। इलस्ट्रेशन 3 इंपेयरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इनहेरेंट 70%, कंट्रोल वीक है, इनएफेक्टिव है, क्या अब भी कंट्रोल रिस्क 40% होगा? नहीं सर, अब कंट्रोल रिस्क क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वो ज्यादा 60 क्यों लिया भाई, ये समझ आता है लॉजिक, 65 क्यों नहीं लिया, ये सवाल ना करेगा, हम एक हाइपोथेटिकल नंबर समझ रहे हैं। तो कंट्रोल रिस्क कितना हो गया 60%। प्यारे बच्चों मुझे बताएं क्या आपका डिटेक्शन रिस्क 47.6 होगा, क्या उससे ज्यादा होगा? नहीं सर, उस क्या 47.6 और 83.33 के बीच में होगा? नहीं सर, 47. क्योंकि जब ये भी बड़ा नंबर है, ये भी बड़ा नंबर है, तो उसको एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो ऑडिट रिस्क मेरा 10% पे आएगा। और छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कब करूंगा? जब ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म करूंगा। क्या ये बात है? तभी आप तीसरी इलस्ट्रेशन में देखें आपका डिटेक्शन, मतलब वो आपको कह रहा है आपका डिटेक्शन रिस्क सिर्फ 23% तक होना चाहिए। 23% तक कैसे होगा? जब ज्यादा से ज्यादा सैंपल। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? मेरी बात सुनिएगा गौर से। एक आखिरी चीज, क्या ये वर्ड समझ आया? स्पेशल, जितना ज्यादा रिस्क होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ द रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसीडर, पीपी की वैल्यूएशन सिग्निफिकेंट रिस्क था तो दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन। 4 सैंपल्स नहीं, 6 सैंपल्स। तो ये बात समझ आती, क्या अब समझ आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल
अगर घंटा आपको लगाना तो लगा लेते, लेकिन पौना घंटा बैठ के मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड समझाने की कोशिश करी है, व्हाट इज स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन। अब ये जिंदगी भर आप कभी पेपर में खुदा ना खास्ता ये सवाल आ जाए ना कि एंगेजमेंट टीम वो जो ऑडिट करती है, एंगेजमेंट टीम ने इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट को नॉर्मल तसव्वुर किया, सही है? बताएं इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो आपने कहा अगर आपने उसको ऑडिट डिस्क कम किया तो उसकी तो इंपेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होते हैं, और एस्टिमेट्स तो वो इट शैल बी ट्रीटेड एज अ एंड दैट रिक्वायर्ड एंड देयरफॉर द सैंपल साइज नीड्स टू बी। एक अच्छा आंसर आप लिख सकेंगे प्यारे बच्चों, रट्टा लगाया होगा पता ही नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो आप लैब से याद करें बिल्कुल करें, लेकिन अब सिग्निफिकेंट इसकी डेफिनेशन याद करते हुए पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ऑर्डर, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कहीं ना कहीं से लिंक हो रही है। सर मैं आपको एक आसान बात बताऊं, सुनिएगा, सैंपलिंग क्यों करता हूं, मेरे पास टाइम कम होता है और कॉस्ट भी कम। जब आपके पास टाइम कम है और आपके पास कॉस्ट भी कम है तो प्यारे बच्चों उन जगह पे सैंपल ज्यादा करें ना जहां पे रिस्क के चांसेस भी ज्यादा है, जहां पे रिस्क ज्यादा है। मतलब कोई आपको दुनिया में ऐसा बेवकूफ मिलेगा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के भी 6 सैंपल वेरीफाई कर रहा है और पीपीई की इंपेयरमेंट के भी 6 सैंपल वेरीफाई कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी डायरेक्टर बैठकर काम कर रहा है और पीपीई की इंपेयरमेंट पे भी डायरेक्टर बैठकर काम कर रहा है, या जूनियर पीपीई की इंपेयरमेंट पे भी काम कर रहा है और डायरेक्टर बैठकर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे काम कर रहा है, डायरेक्टर फर्म का डायरेक्टर ना, वो वाला डायरेक्टर नहीं। आप समझ आ रही है प्यारे बच्चों बात आपके, जब टाइम कम है कॉस्ट कम है तो उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करें जहां पे रिस्क के चांसेस ज्यादा है, जहां पे आपका रिस्क ज्यादा है तो वहां पे सैंपल भी ज्यादा लगाएं, पार्टनर के इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा करें, डायरेक्टर्स की, सीनियर मैनेजमेंट की, सीनियर मैनेजर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को रिव्यू नहीं करता। जूनियर ने काम किया उसका काम कोई रिव्यू क्यों नहीं रिव्यू करता, प्रोडक्शन ऊपर देख लेता हूँ प्रोडक्शन बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी है 10% से तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी 10% से बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी 50% से बढ़ा ठीक है यार इस बार प्राइसेस भी तो बढ़ी है, हाँ यार नंबर सही लग रहा है आगे बढ़, लेकिन पीपी की इंपेयरमेंट में ये काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि पीपी की इंपेयरमेंट जूनियर से करवाऊ, वो तो करेगा ही जॉब इंचार्ज मैनेजर, और बैठ के मैं भी रिव्यू कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर भी लेके मुझे बैठा होगा कि मुझे इसके assumptions से वेरीफाई करो, क्या assumptions है? यहां तक बात आपके समझ आती है? तो जहां पे रिस्क ज्यादा है मैं वहां पे मेहनत ज्यादा करूं ना, rather than कि जहां पे रिस्क ही नहीं है और मैं वहां बैठकर सारे resources apply करता हूं। अब ये वर्ड समझ आता है, क्या वर्ड समझ आता है? स्पेशल, और ये सिग्निफिकेंट, ये रिस्क की असेसमेंट का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया है, टाइम कम है कॉस्ट कम है, काम सैंपलिंग बेसिस पे करते हो तो वहां पे सैंपल ज्यादा रखो जहां पे रिस्क ज्यादा है प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है? एक आखिरी चीज सुन लें, ऑडिट रिस्क को ऑडिट रिस्क भी कहते हैं और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, ऑडिट रिस्क को ऑडिट रिस्क भी कहते हैं। तो आयजा ने कहीं कहीं लिखा हुआ है ऑडिट रिस्क और कहीं कहीं लिखा हुआ है रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, क्या यहां तक बात समझ आती है? इसमें रिस्क का वर्ड हमें पता है, ऑफ अंग्रेजी का वर्ड है, मटेरियल और मिस स्टेटमेंट में हमारी अगली दो क्लासेस है, इन दो वर्ड्स के ऊपर हमारी अगली दो क्लासेस है, क्या यहां तक बात समझ आती है? किसी को सवाल हो मुझसे पूछ सकता है बच्चों, कोई सवाल? डन है यहां तक, तो इसको रिवाइज करके आइएगा अच्छे से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।